नमस्ते, कैसे आप सब लोग। मैनिफेस्टेशन की पावर से आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं, 100% बदलने की ताकत रखते हैं। जैसा चाहे आप अपनी जिंदगी को वैसा बना सकते हैं। मैनिफेस्टेशन इतनी ज्यादा पावरफुल चीज है। मैनिफेस्टेशन क्या है और ये इतना ज्यादा पावरफुल तरीके से कब काम करती है? जब आप अपने थॉट्स को चेंज करते हैं। आप आज जैसा सोच रहे हैं ना, अगर आप वैसा ही सोचते रहे तो वैसी ही जिंदगी आपकी रहने वाली है जैसे आपकी अभी जिंदगी है। लेकिन अभी आप अगर अपनी सोच को बदलना शुरू करते हैं ना, तो जो बदली हुई सोच आप आगे लेकर के जाएंगे ना, उससे आप वो जिंदगी बदलाएंगे जो आपने अपनी सोच को बदला है। आपकी सोच ही बेसिकली आपकी जिंदगी है। आपकी सोच ही बेसिकली आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। तो आप क्या सोचते हैं, अगर आप लगातार नेगेटिव सोचते रहते हैं तो वैसी ही जिंदगी होने वाली है। लेकिन अगर कोई एक ही पैटर्न चल रहा है, जैसा भी आपकी जिंदगी में अभी चल रहा है, बैलेंस्ड पैटर्न है, और आप वैसा ही सोचते जा रहे हैं, तो वही जिंदगी आपकी चलने वाली है। लेकिन आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अभी जैसी आपकी जिंदगी चल रही है आप वैसी अपनी जिंदगी को नहीं रखना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी को सीरियस लेवल पर चेंज करना चाहते हैं, तो सीरियस लेवल पर आपको अपने थॉट्स के ऊपर काम करना होगा। क्योंकि जैसे जैसे आपके विचार बदलते हैं, वैसे वैसे आपकी फीलिंग बदलती है। जैसे जैसे आपकी फीलिंग बदलती है, आपकी वाइब्रेशन बदलती है, आपकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो चेंज होती जाती है, और आप अपनी जिंदगी को अपनी वाइब्रेशंस के थ्रू वैसा मैनिफेस्ट कर पाते हैं जैसा आप सोच रहे होते हैं। तो ये कहानी कहां से शुरू होती है, मैनिफेस्टेशन की कहानी कहां से शुरू होती है? किसी टेक्निक से नहीं, किसी जर्नल से नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान करके, चार टेक्निक को आगे पीछे करके कर लेने से नहीं, आपकी सोच से शुरू होती है। अगर आज से, अभी से, इसी वक्त से आप डिसाइड करते हैं कि आप अच्छा सोचना शुरू करते हैं और सोचते चले जाते हैं लगातार, अब इस बीच में आप अपने मेथड डाल दीजिए, मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स डाल दीजिए, लेकिन अपनी सोच को बदलिए, अपने ओल्ड बिलीव्स को बदलिए, अपने उन पैटर्न्स को बदलिए जो चीज आज आप छोड़ना चाहते हैं। जैसे जिंदगी को आज आप छोड़ना चाहते हैं, जैसे जिंदगी को आप चेंज करना चाहते हैं ना, तो आपको अपनी सोच को छोड़ना ही पड़ेगा। उस सोच के अंदर सब कुछ आता है। आपके ओल्ड बिलीव्स आते हैं जो कि नेगेटिव हों, ऐसे पैटर्न्स आते हैं जो कि आगे आपको जाकर के हेल्प ना कर सकते हों। आपने किसी चीज को लेकर के सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रखा हुआ है, वो सारी चीजें आ ही जाती हैं आपकी। जैसे किसी रिलेशनशिप के बारे में आपने ऐसे ही रखा हुआ है, रिश्ते ऐसे ही होते हैं, डरे हुए हैं आप, डाउट से भरे हुए हैं आप, तो फिर वैसी चीजें चलने वाली हैं। तो इस सोच में आपको सब कुछ छोड़ना होगा। पैसे को लेकर के आपने सोचा हुआ है, पैसा कमाना तो बड़ा मुश्किल होता है, पैसा तो सही लोगों के पास होता ही नहीं, ईमानदारी से कमाया ही नहीं जा सकता, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है, ये सारी चीजें सोच में आ जाती हैं आपके। इवन आपके जो ओल्ड बिलीव्स भी है ना, वो कहाँ पर काम करते हैं, कहाँ ट्रिगर्स होते हैं, कहाँ आपको वो सारी चीजें हिट होती हैं, आपके माइंड में ही होती है ना, वो चीजें आपके माइंड में ही आती है ना। अगर आपके ओल्ड बिलीव्स की भी मैं बात करूं, मान लीजिए कोई जॉब को लेकर के आपका कोई ओल्ड बिलीव है जो कि नेगेटिव है, वो बिलीव ये है कि नहीं लगती, आज बहुत कंपटीशन है भैया, जॉब आसानी से नहीं लगती, तो ये कहाँ आएगा? वो कहीं अंदर किसी फाइल के नीचे दबा थोड़ी ना पड़ा रहेगा, आपकी सोच में ही आएगा ना। और वो आपकी सोच में आएगा तो आप उससे कैसा फील करेंगे? ऑब्वियसली आप अच्छा फील नहीं करेंगे, आप नेगेटिव फील करेंगे। आप नेगेटिव फील करेंगे तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट जो होंगे आपको नेगेटिव आएंगे। तो अपनी सोच बदलिए। सोच बदलने के साथ साथ आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल को फॉलो करना शुरू करिए। कोई मेथड करना चाहते हैं आप, बिल्कुल मेथड करिए। अफर्मेशंस अच्छे अच्छे ऐड करना शुरू करिए, लेकिन वो शुरू आपकी सोच बदलने से ही होगा। और उस सोच के अंदर आपके पुराने पिटारे में से सब कुछ आ जाता है, और इससे आप अपनी लाइफ को 100% चेंज कर सकते हैं। ये ताकत है मैनिफेस्टेशन की, ये ताकत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आप जो होते चले जाएंगे, आप अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो सोच बदलिए, सोच बदलिए। गौतम बुद्ध ने कहा है कि हम अपने विचारों का परिणाम है, तो यानी कि है, ये नहीं कहा है कि हम अपने विचारों का परिणाम पास्ट में थे लेकिन आज हम अपने विचारों का परिणाम नहीं है। नहीं, हम अपने पास्ट में भी अपने विचारों का परिणाम थे, हम आज भी अपने विचारों का परिणाम है, हम फ्यूचर में भी अपने विचारों का ही परिणाम रहेंगे। और ये सत्य है।
आप अपने विचार बदलिए और देखिए कि इस तरह से आपकी फीलिंग बदलती है, और जिस तरह से आपकी फीलिंग बदलेगी उसी तरह से धीरे धीरे करके आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।